नमस्कार, मैं हूं श्रेया आर्य और आप देख रहे हैं दिव्य जोड़ भारत। अपराधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया गया है। कोर्ट ने राजनीति में बढ़ते अपराधीकरण के मामलों को देखते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी राजनीतिक दलों को अपनी पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान करने के 48 घंटे के अंदर उनसे जुड़ी हर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर उम्मीदवार के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा चल रहा है या फिर उम्मीदवार किसी भी मामले में आरोपी है तो उसकी जानकारी 48 घंटे के अंदर देनी होगी। कोर्ट ने अब राजनीतिक दलों के आपराधिक रिकॉर्ड वाली गाइडलाइंस को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीति में अपराधीकरण से जुड़े हुए अपने ही 13 जुलाई 2020 के फैसले को संशोधित कर दिया है। अब हम आपको यहाँ पर बता दें कि 2017 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 1995 वाले आरोपों को खत्म करने का आदेश दिया था। न सिर्फ इतना, जिस केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी चेहरा बनाकर आगे बढ़ रही थी उनके भी यही हालात थे। अब अगर यह फैसला पिछले विधानसभा से पहले आया होता तो क्या योगी और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में उतर पाते, या फिर सरकार की तरफ से आरोपों पर सफाई अभियान नहीं चला होता तो इस विधानसभा में क्या होता। बता दें कि इससे पहले फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया था कि सभी राजनीतिक दलों को उम्मीदवारों के चयन के 48 घंटे के अंदर या फिर नामांकन दाखिल करने की तारीख से कम 2 सप्ताह पहले उम्मीदवारों से जुड़ी हुई जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। अगर उम्मीदवार पर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज है तो इसे भी सार्वजनिक करना होगा। इस आदेश के बाद चुनाव आयोग ने कहा कि जो भी दल कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करते हैं उनके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। पार्टी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज या फिर निलंबित रखे जाने के विषय पर सीपीएम की ओर से वकील ने बिना शर्त माफी मांगते हुए कहा कि हमारा भी यही विचार है कि राजनीति में अपराधीकरण नहीं होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि माफी से काम नहीं चलेगा, हमारे आदेशों का पालन करना होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान कई उम्मीदवारों की ओर से उनके ऊपर आपराधिक मुकदमों की जानकारी नहीं दी गई थी। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। अब देश में राजनीति के कुछ ऐसे हालात हैं कि अपराधियों एवं नेताओं का चोली दामन का साथ हो गया है। देश की वो तमाम पार्टियां जो साफ सुथरी राजनीति का दावा करती हैं, चुनाव के वक्त सबसे ज्यादा उन्हीं की तरफ से बाहुबलियों को टिकट दिए जाते हैं। आमतौर पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली इन राजनीतिक पार्टियों का मकसद चुनाव में सिर्फ जीत होता है, फिर इसके लिए उन्हें चाहे जो भी करना पड़े। अब देश में स्वच्छता की बात तो सभी करते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त में दाग सभी को अच्छे लगते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। प्रणाम।